कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन परिवार, न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुवाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली। बंधुओं, आप सभी गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की मंगलमयी कल्याणकारी प्रवचनों को सुन रहे हैं। गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का जन्म 1 अप्रैल 1967 को पटेरा मध्य प्रदेश में हुआ। 24 अक्टूबर 1987 उदयपुर राजस्थान में आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट के नाम से जो विख्यात थे उनसे मुनीक्षा धारण करी। रक्षाबंधन 1993 में ब्यावर राजस्थान में आपको आचार्य पद पर आसीन किया गया और अभी तक आपके द्वारा लगभग 120 दीक्षाएं प्रदान की जा चुकी हैं और जो साधु लगातार धर्म आचरण कर रहे हैं और मोक्ष का मार्ग जन जन का प्रशस्त कर रहे हैं, तो आप सभी अपने जीवन का सौभाग्य बढ़ाएं और गुरुदेव के सिद्धांत रूपी वचनों को सुने और जीवन कल्याण करें, यही आप सभी के लिए मेरी मंगल भावना। महानुभावों, आस्था के जगते ही आत्मा जग जाती है और आस्था का अस्त होता है तो आत्मा सो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जब हमारी देव सास गुरु के प्रति आस्था पैदा होती है तो सम्यक दर्शन हो जाता है और जब हमारी देव सास गुरु के प्रति आस्था का अस्त हो जाता है तो सम्यक दर्शन नहीं बल्कि मिथ्यात मोह का अंधकार छा जाता है। मिथ्यात का उदय कब होता है तो जब हमारी आस्था का अस्त होता है और जब देव सात गुरु के प्रति आस्था का उदय होता है तो सम्यक दर्शन का दीप जल जाता है और जहां आस्था उदित होती है, जागृत होती है, तो अनुभूति आचरण प्रकट होता है और जहां आत्मा की अनुभूति हुई वह आनंद का झरना फूट पड़ता है। अगर आप आत्मा का आनंद चाहते हो तो देव सात गुरु के प्रति आस्था को जगाओ। निरंतर प्रयास करना कि हमारी आस्था कम ना हो, क्योंकि आजकल आस्था का अस्त करने वाले बादल बहुत हैं, जहां तहां मंडरा रहे हैं। तुम्हारी देव सास गुरु के प्रति जो आस्था है उसे खत्म करने के बड़े प्रयास किए जा रहे हैं, उनके संबंध में अनाप शनाप बोलने वाले मिल जाएंगे, जबकि आचार्य कहते हैं कि उनसे सावधान रहना, क्योंकि आत्मा को उत्थान कराने वाले, आत्मा को परमात्मा बनाने वाले निमित्त बहुत कम हैं, थोड़े हैं, जुगनूबत हैं, लेकिन जो आस्था को मिटाने वाले, आस्था को धूमिल करने वाले, तुम्हारी देव सास गुरु के प्रति आस्था कम करने वाले जगह तगह मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो तुम्हें ये कहेंगे कि कहां पड़े हो, किसके चक्कर में हो, अरे क्या होने वाला है, ये मनुष्य पर्याय मिली, खाओ पियो अच्छे से रहो, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा कहने वाले बहुत कम मिलेंगे कि क्या रखा है संसार के इन विषय भोगों में, ये तो क्षणिक है, कितनी देर का है इसका स्वाद, अरे जिसका स्वाद शाश्वत है वो आत्मा का स्वाद, जो आनंद है,
जो श्वासत आनंद है वो आस्था में छिपा है, इसी में मोक्ष का रास्ता छिपा है। लेकिन संसार के रास्ते पर ले जाने वाले बहुत मिलते, यहां तक कि जिनने जन्म दिया, जो निरंतर चाहते हैं कि तुम्हारा उत्थान हो, उन्नति हो, ऐसे मां बाप भी कहते हैं कि क्या कर रहे हो, पागल हो गए क्या, ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे बिरले मिलेंगे। अरे बहुत अच्छा विचार किया तुमने, मंदिर जाने का भाव बना, बहुत अच्छा विचार किया संयम लेने का, बहुत अच्छा कार्य किया तुमने, क्योंकि अनंत बार जन्म मरण किए हैं, अनंत विषय भोगों को भोगा है, लेकिन आज जो है तुमने इन्हें त्यागा है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। यदि आस्था रहेगी तो आपको रास्ता मोक्ष माल का मिल जाएगा, और यदि आस्था अस्त हो गई, देव सास गुरु के प्रति खत्म हो गई, तो फिर आदिनाथ के पास बैठ करके भी मारीचि कल्याण नहीं कर पाएगा। देखो उस मारीचि की आस्था थी तो क्या हो गया, वो आदिनाथ के साथ हो गया, विषय भोगों को छोड़ दिया, साधु बन गया, लेकिन उसकी आस्था जब खत्म हुई तो आदिनाथ के चरणों में पास में बैठ करके भी मोक्ष नहीं जा पाया, संसार का मार्ग चुन लिया। आस्था होती है तो फिर उसे किसी दूसरे आचरण की जरूरत नहीं पड़ती, किसी और मार्ग पर चलने की आस्था कोई जरूरत नहीं होती। वो तो जो मार्ग तय हो गया, जो प्रभु ने कह दिया वही चलना, अपना स्वयं का कदम आगे बढ़ाने का भाव होना, ये है कि आस्था का अभाव। और गुरु के प्रभु के बताए मार्ग पर चलने का यदि कार्य हो रहा है तो ये आस्था का प्रतीक है। जो शास्त्र में कहा है वो सत्य है और उसी के अनुसार चलूंगा, जो गुरु ने कहा है वही करूंगा, जो प्रभु का की आज्ञा है उसी का पालन करूंगा, तो ये आस्था का प्रतीक है। और आस्था का अस्त हो गया है ये कैसे जाना जाए, अपने मनगणंत मार्ग पर चलना, जो उन्होंने कहा है वो नहीं, अपना एक मार्ग नया बनाना, ये आस्था का अभाव दर्शा रहा है। देखो वो मारी थी, अपना अलग से पंथ चलाऊंगा, अपना रास्ता अलग बनाऊंगा, आस्था खत्म हो गई। आदिनाथ के साथ था, आदिनाथ जो करेंगे वो मैं करूंगा, जो आदिनाथ कहेंगे वे मैं करूंगा, उसे पालन करूंगा, ये आस्था थी। और जब मैं अपना कदम स्वयं बढ़ाऊंगा, मैं स्वयं चलूंगा, नहीं गुरु कहेंगे तो चलूंगा, समर्पण तो उसी को कहते हैं। बच्चा को जो खिलाएगा तो खाएगा, जो पहनाएगा पहनेंगे, उसमें अपनी कोई मर्जी नहीं है। कहते हैं कि बादशाह अकबर एक दिन नमाज पढ़ रहे थे और उसी समय एक सेवक आया, एक आदमी आया, उस व्यक्ति ने आकर के कहा कि हुजूर मैं बड़ा दुखी हूं, परेशान हूं, और मैं आपके यहां नौकरी करना चाहता हूं, सेवा करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, क्या लेगा क्या लेगा,
जो देगा वो लूंगा, क्या खाएगा भाई, हमारी सेवा की क्या ठीक क्या, जो तू खिलाएगा तुम खिलाओगे वही खा लूंगा, क्या पहनेगा जो पहना दोगे मालिक वही पहन लूंगा, क्या करेगा जो कहोगे वो कर लूंगा, मेरी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है, जो मालिक की इच्छा होगी वो मैं करूंगा, जो मालिक की इच्छा नहीं होगी उसको मैं कभी नहीं करूंगा। ऐसा समर्पण जब देखा तो बादशाह ने कहा आज तो मेरे को गुरु मिल गया। झट उन्होंने कहा कि मैं तो भक्ति कर रहा हूं, नमाज पढ़ता हूं, ये करता हूं, लेकिन मानता ही नहीं, इतनी आस्था मेरे अंदर नहीं है, कैसे मेरा कल्याण होगा। अरे मालिक जो देगा सो लेंगे, जो कहेगा सो करेंगे, जो बोलेगा सुनेंगे, कोई अपना अलग से कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, जो मालिक का रास्ता है वही मेरा रास्ता है, यही कहलाती आस्था। लेकिन अपना कदम अलग से रखा जाता है तो वह आस्था का अभाव कहलाता है। और हुआ यही कि उस मारीची ने अपना कदम रख लिया और उसका प्रभाव ये हुआ, वो भटक गया। और जब उसी मारीचे के जीव की आस्था जगी तो शेर की पर्याय में भी उसको मार्ग मिल गया, रास्ता मिल गया। तो यदि हमारी देव सास गुरु के प्रति आस्था जगती है तो मोक्ष मार्ग बन जाता है, और आस्था जब हमारी टूटती है तो देव सास गुरु के चरणों में बैठ करके भी मोक्ष मार्ग का रास्ता नहीं मिलता है। उस आदिनाथ के पास बैठ करके भी उस मारीची को रास्ता नहीं मिला मोक्ष का, और शेर की पर्याय में आस्था जग गई। संजय और एजेंट नाम के मुनिराज या अमित तेज और अमित गति मुनिराज के पास वो आस्था जगी कि बस उस शेर की पर्याय से भी मोक्ष का रास्ता निकल गया। तो हमें भी चाहिए कि अस्थियों का अस्त हो जाए, हमारी ये अस्थि जो है शरीर की हड्डी है, इसके अस्त होने से, आयु का अस्त होने के पहले हमारे अंदर आस्था जग जाना चाहिए। और यदि आस्था जग गई तो आपके लिए मोक्ष मार्ग आसान हो गया, आचरण करना आसान हो जाएगा, आत्मा की अनुभूति करना आसान हो जाएगी और आत्मा का आनंद पाना भी आसान हो जाएगा। और यदि आस्था खत्म हो गई, हमारे अंदर से देव सास गुरु के प्रति आस्था समाप्त हो गई, तो आप भले ही पूजा पाठ रचाना, खूब तप और त्याग करना, सब कुछ करते जाना, फिर भी मोक्ष मार्ग का रास्ता नहीं खुलेगा। इसलिए अपने अंदर आस्था जगाओ, कैसी भी स्थिति आ जाए वह आस्था उस में कोई खलल नहीं आना चाहिए, कोई तरह का विकल्प नहीं आना चाहिए। देखो उस बच्चे के अंदर कितनी आस्था होती है, पिता ऐसा फेंक देता बच्चे को, लेकिन वो बच्चा खुश होता है कि हमें मालूम है क्या होगा, फेंका है गिरने के पहले माँ बाप हमें झेल लेंगे, हमें गिरने नहीं देंगे। वो बच्चा को आस्था रहती है तो वो आनंद भोगता है, और हम इतना होने पर थोड़ा सा दुख आया, तकलीफ आई, फलानी आई, हमारी आस्था टूट गई, क्या हो गया,
थोड़ा सा कर लिया, आस्था टूट गई। क्यों टूट गई आस्था? क्योंकि तुम्हारे लिए सत्य कह दिया, तुम्हारे लिए सही मार्ग बता दिया, इसलिए। अरे आस्था तो चाहे तकलीफ आए, कष्ट आए, क्योंकि होता ये है कि व्यक्ति को उनके मन की कहो तो आस्था बनी रहती है, और थोड़ा मन का नहीं हुआ तो आस्था टूट गई। थोड़ा सा मन विरुद्ध चला तो आस्था नहीं रही, मन विरुद्ध हो गया, आस्था खत्म। परीक्षा में हमारी आस्था थी, परीक्षा में भगवान की कृपा से पास हो जाऊंगा, गुरु ने आशीर्वाद पास, पर नहीं हो पाए पास, तो अब तो हमारी आस्था नहीं रही। एक काम हो जाएगा, वो हमारी प्रशंसा करेंगे, मुझे माला पहनाएंगे, हमारे लिए ये करेंगे, मेरा नाम लेंगे प्रवचन में, तो क्या है आस्था है, जाएंगे उनके पास, खूब माइक माला मंच मिल रहा है ना, इसलिए उनके पास दौड़े जाएंगे, हमारी आस्था है। और उन्होंने कह दिया इससे क्या होने वाला है, ये कोई मोक्ष मार्ग के साधन नहीं है। ऐसा यदि उन्होंने कह दिया तो अब तो निषेध कर दिया, तो आस्था ही नहीं रही मेरे को। तो जो भी कहने का मतलब है कि हमारी आस्था देव शास्त्र गुरु का पर अडिग होगी तो निश्चित है आत्मा की अनुभूति होगी, और आत्मा की अनुभूति होगी तो आनंद की प्राप्ति होगी। और यदि हमारी आस्था अटल नहीं होगी, टलने वाली होगी, आस्था देव सास गुरु से टल जाएगी, तो निश्चित है कि आप संसार में ही टहलते रहोगे, भटकते रहोगे, संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन परिवार, न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुवाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली।